इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन थीटा. हाँ जी क्या करें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा. टैन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन अपॉन कॉस के. इट मींस कि मेरे पास अगर मैं टर्म्स देखूं तो साइन और कॉस की टर्म्स में है, तो अगर मैं कॉस वाली टर्म्स एक तरफ ले जाऊं और फिर उधर से कॉस इधर डिनोमिनेटर में ले, इज इट पॉसिबल, कर सकते हैं ऐसा, क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा. वट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, कॉस थीटा कॉमन ले लो तो रूट टू माइनस वन इंटू कॉस थीटा. अब ये कॉस थीटा इधर डिनोमिनेटर में आ सकता है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज रूट टू माइनस वन. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेन थीटा को, तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, रूट टू माइनस वन. क्लियर हो गया, नोट डाउन, चले अगले पे. नेक्स्ट गिवन है इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह मैंने थीटा ले लिया है, इफ दिस इज इक्वल टू वन देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस थीटा आएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर फोर थीटा इज, वी हैव टू फाइंड दिस. हमें अब किसकी टर्म्स में वैल्यूज चाहिए, कॉस की टर्म्स में चाहिए. यहां से हम कॉस ला सकते हैं समहाउ, कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री तो डिलीटेड पार्ट है आपका, आइडेंटिटी लग जाएगी. साइन स्क्वायर थीटा को आप राइट हैंड साइड पे ले जाओ, ये क्या बन जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा. व्हाट इज वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इक्वल टू कॉस स्क्वायर. सो दिस इज साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा. अब मुझे कॉस की पावर कितनी चाहिए, फोर और टू, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस टू द पावर फोर थीटा. अब ये उधर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर फोर थीटा इज इक्वल टू वन. हाँ वहां पे पुट कर दो, पर वो साइन की टर्म्स में बनेगा ना. हाँ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपको ऑलरेडी वन गिवन है, यू कैन डू. आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, तो रिप्लेसमेंट कर सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर फोर थीटा की. आपके पास ये है साइन थीटा और ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, एंड यू आर गिवन दिस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन. ऐसे भी कर सकते. नेक्स्ट है टेन थीटा गिवन है हमें ए अपॉन बी, इफ टेन थीटा इज ए बाई बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा.
कैसे कैसे कैसे? रेशो रेशो एमसीक्यूज में अब आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज इट वाज नॉट पॉसिबल, अदरवाइज ऐसा नहीं करना था आपने. नाउ यू आर सेइंग कि टैन थीटा जो है वो हमारा, क्योंकि साइन बाय कॉस होता है, तो हम साइन थीटा को ले लें ए और कॉस थीटा को ले लें बी, यही कह रहे हो? पुट करो क्या आएगा. वैसे ये मेथड सही नहीं है बट क्योंकि एमसीक्यूज फॉर्म है तो यू कैन डू दिस. क्या आएगा बताइए? नहीं, वो भी बताती हूँ. यहां से क्या आया? कॉस थीटा को आपने बी पुट किया. एमसीक्यूज में चल जाएगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा, पर वैसे अगर आगे कहीं अप्लाई करना हो तो नहीं करना, वो भी बता रही हूँ कैसे करना है कि एग्जैक्ट मेथड क्या है. आपने अभी फिलहाल ले लिया, कॉस थीटा को बी पुट कर रहे हो, साइन थीटा को ए पुट कर रहे हो. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट विल बी योर आंसर. करेक्ट है वो. अदरवाइज इसका करेक्ट वे क्या है, हम क्या करेंगे, चारों टर्म्स को, क्योंकि मुझे टेन की वैल्यू गिवन है, तो चारों टर्म्स को हम क्या करेंगे, कॉस से डिवाइड कर देंगे. व्हाट वी विल बी हैविंग देन, ए टेन थीटा माइनस बी अपॉन ए टेन थीटा प्लस बी. अब टेन थीटा की वैल्यू है आपके पास, पुट करोगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट. ये आ जाएगा ए इंटू ए बाय बी, ए इंटू ए बाय बी. ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, दोनों में कैंसिल आउट होके यू विल गेट द सेम रिजल्ट. बट फॉर द एमसीक्यूज यू कैन डू इन द वे दैट यू हैव टू, दैट विल आल्सो बी करेक्ट, क्योंकि जो आपका सॉल्यूशन है वो नहीं चेक हो रहा, ओनली द आंसर इज बीइंग चेक, तो यू कैन गो फॉर दैट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ए प्लस कॉस बी हमें इक्वल टू वन गिवन है, एंड एंगल ए हमें 30 डिग्री गिवन है. वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी. साइन ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू वन. एंगल ए हमें 30 डिग्री गिवन है. वी आर टू फाइंड एंगल बी. सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करें? ए की वैल्यू पुट कर दोगे क्या आ जाएगा, साइन 30 प्लस कॉस बी हमने निकालना है, दिस इज इक्वल टू वन. साइन 30 कितना होता है? साइन 30 इज हाफ आ गई. अब कॉस की वैल्यू हाफ कहाँ पे होती है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट, अगला भी इसी तरीके से है. साइन एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू वन है और एक्स की वैल्यू 30, सेम ए बी की जगह एक्स वाई कर दिया, अदरवाइज सेम स्टेटमेंट है वो. उसके बाद वैल्यूज वाले जो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके क्वेश्चंस हैं वो मैं नहीं करवा रही, बिकॉज दैट आर क्वाइट इजी, यू कैन डू योर सेल्फ. एक मैं बता देती हूँ किस तरह के क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन लाइक मुझे गिवन है, साइन स्क्वायर 60 प्लस 2 टेन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30. सिंपली वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है, तो ये आप खुद करोगे. अब नेक्स्ट गिवन है मुझे, इफ सीकेंट थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा. सीकेंट थीटा इंटू साइन थीटा इज जीरो, देन फाइंड थीटा. सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी. हाँ जी, थीटा, फाइंड थीटा. सीकेंट थीटा इंटू साइन थीटा इज जीरो. सीकेंट कैन बी रिटन एज वन अपॉन कॉस. साइन बाय कॉस इज टेन. टेन की वैल्यू जीरो कहां पे होती है? वैल्यूज याद नहीं है तो चैप्टर गया. जीरो, तो थीटा कितना आ जाएगा,
जीरो डिग्री। क्लियर? हाँ जी, टेबल बना के कर लोगे वो ठीक है, बट टिप्स पे भी हो वैल्यूज आगे, प्लस वन प्लस टू अभी अगर मैथ्स लेना है तो यही सब यूज होना है, तो फिर वहां टाइम नहीं होता इतना। ठीक है, अब नेक्स्ट गिवन है कॉट थीटा 15/8, ऐसा क्वेश्चन भी आपने किया हुआ है। ये मुझे कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है, आई हैव टू फाइंड आउट 2 + 2 साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा। अपॉन 1 + कॉस थीटा 2 - 2 कॉस थीटा। इस तरह का एक क्वेश्चन आपकी बुक में भी था, थोड़ी सी स्टेटमेंट बस उन्होंने चेंज कर दी। हाँ, अभी फिलहाल आप ऐसे कर लोगे, क्या आएगा? कॉस 15 पुट करोगे और साइन, वैसे ये रेशियो होती है तो हम के लेके चलते हैं, बट क्योंकि अब एमसीक्यूज हैं तो कैलकुलेशंस हम जितना टाइम सेव कर सकते हैं करेंगे। तो कॉस थीटा 15 साइन थीटा 8, वैसे ये एग्जैक्ट मेथड नहीं है, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, कि वैसे ये आपको रेशियो गिवन होती है तो आप डायरेक्ट 15 और 8 नहीं लेके चल सकते। अब बताओ क्या आएगा? Do the calculations quickly. इसको मत देखो, ये मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप अपनी calculations करो। Do in the way you are doing. Online students also do the calculations quickly. Yeah. अब मैं ऑप्शंस बताऊं आपको, ऑप्शंस हैं आंसर की 15/8 स्क्वायर, 15/8 रूट 15/8 एंड 15/8 का क्यूब। अब ये मेथड देखते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस आपकी होगी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, अब इस पे आओ, 2 कॉमन ले लिया यहां से, 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा रह गया, व्हाट इज दैट इक्वल टू, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास आ गया 1 - साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में ऐसे ही 2 कॉमन लिया, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। व्हाट इज 1 - साइन स्क्वायर, cos square और sin square, cos square upon sin square is cot square, cot की वैल्यू क्या गिवन है? अब बताओ कौन सी कैलकुलेशन इजी थी? ठीक है, उससे मे बी योर कैलकुलेटिंग मिस्टेक्स विल बी देयर, अदरवाइज यू विल गेट। तो क्वेश्चन को डीपली ऑब्जर्व करो, जरूरी नहीं है कि हर बार जो आप शॉर्ट में लेते हो वो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती हैं, तो यू आर टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर दीज क्वेश्चन। ये आपके बुक में भी था इस तरह का क्वेश्चन, आई थिंक, नोट इट डाउन एंड देन आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन।
चले अगले पे. नेक्स्ट गिवन है इफ सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू एक्स. अब ये आप बताओगे. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन थीटा. ऑप्शंस हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, सीकेंट थीटा और टैन थीटा की वैल्यू इनका सम हमें एक्स गिवन है एंड वी आर टू फाइंड टैन थीटा. Be quick. Online students can also give the answer. You can raise your hand. We are given the value of secant theta plus tan theta equal to x. And we are to find the value of tan theta. Cancel nahi hoga wo. आपके पास अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हो यू विल गेट सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस टू सीकेंट थीटा टैन थीटा. तो उसमें अगर आप इसको साइन कॉस में भी कन्वर्ट करोगे तो साइन अपॉन कॉस स्क्वायर आ जाएगा. तो वो कैंसिलेशन नहीं हो रही तो वी वॉन्ट बी एबल. आई कैन गिव यू वन हिंट. यू कैन रैशनलाइज. यू आर गिवन सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू एक्स. रैशनलाइज द न्यूमरेटर एंड देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा. You will be having two equations, simplify them and find the value of tan. Rationalize करके बताइए क्या आ रहा है secant theta minus tan theta. What is this equal to? Yes, I can see one hand raised. Krishan. D option. Option D. That is correct. How? Krishan, tell me the solution. How? Yes. मैम वो secant square theta minus tan square theta is equal to one. Yes. फिर a plus b minus b. Yes, secant theta minus tan theta into secant theta plus tan theta is equal to one. यहाँ पे आप value put कर दोगे. Very good. Values put. हाँ जी ये आ गया one upon x. Same way में जैसे आपको मैंने कहा है रैशनलाइज करोगे तो इन द न्यूमरेटर यू विल बी हैविंग सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन में सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा. तो क्या वैल्यू सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा. तो वहां से सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा आपके पास क्या आ जाएगा वन अपॉन एच. आपने रैशनलाइज किया इसको क्या आया रैशनलाइज करके या आप ऐसे कर लो ठीक है. अदरवाइज आपने अगर रैशनलाइज किया डिनोमिनेटर को तो वॉट यू हैव गॉट secant theta plus tan theta. Numerator को क्योंकि हम rationalize कर रहे हैं तो secant theta minus tan theta से divide and multiply. Now this is a plus b, a minus b. क्या आ गया ये what will be this equal to? This is equal to x. यहाँ पे क्या आ गया वन अपॉन secant theta minus tan theta is equal to x. तो reciprocal ले लोगे secant theta minus tan theta is equal to one by x. दोनों में से जिस मर्जी तरीके से कर लो. अब मुझे एक चीज नहीं मतलब आपका concept check करना है whether you are clear about this or not. यहाँ मैंने दोनों तरफ इसको rationalize किया. Is there any need to rationalize on the right hand side also? क्योंकि अदरवाइज हम मैथ्स में क्या करते हैं कि जब हम लेफ्ट साइड पे कोई चीज लेते हैं तो हम राइट साइड पे भी वो परफॉर्म करते हैं. मैंने यहाँ नहीं की. इज इट करेक्ट और देयर इज सम मिस्टेक. दिस इज करेक्ट. व्हाई
हाँ जी, क्योंकि हमने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, तो देयर इज नो चेंज इन द स्टेटमेंट। अगर आप यहाँ कर भी दोगे तो इनटू एक्स अपॉन एक्स करोगे या इनटू माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स करोगे, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज हमने यहीं पे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया, तो देयर इज नो चेंज इन दिस इक्वालिटी। तो सीकेंट वन सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, दोनों में से जो मेथड आपको इजी लगता है यू कैन गो फॉर दैट। सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा वन बाई एक्स आ गया, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा आपके पास क्या है, दैट इज इक्वल टू एक्स। अब आपको टेन की वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे, माइनस टू टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाई एक्स माइनस एक्स, बाद में नेगेटिव साइन लेके आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे। नाउ द नेक्स्ट, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर फोर थीटा प्लस कॉस टू द पावर फोर थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जीरो गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर फोर थीटा प्लस कॉस टू द पावर फोर थीटा। ऐसा क्वेश्चन अभी एक हमने किया भी है, मतलब कह लो कि फॉर्मेट वही वाला यूज हो रहा है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जीरो गिवन है, क्या मतलब हुआ इसका, साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा जीरो कब आएगा? जीरो कब आएगा? हाँ जी, जब दो नंबर्स का डिफरेंस जीरो कब आता है, जब दोनों क्या डिफरेंस है तो माइनस ही करेंगे, जब दोनों सेम होते हैं। सेम वे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू जीरो कब आएगा, जब दोनों की वैल्यू सेम होगी। साइन और कॉस की वैल्यू सेम कहाँ पे होती है, 45 डिग्री पे। तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जीरो, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आ गया। यहाँ से कॉस थीटा को मैं अगर डिनोमिनेटर में लाती हूँ तो साइन बाय कॉस इज वन, टेन थीटा वन, मतलब थीटा 45 डिग्री। अब थीटा 45 यहाँ पे पुट कर दो, क्या आएगा, करो वैल्यू पुट। मुझे बच्चे क्या गिवन था यहाँ पे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू जीरो गिवन था, ठीक है। मैंने क्या किया, माइनस कॉस थीटा को इधर ले गई। अब ये कॉस थीटा अगर मैं डिनोमिनेटर में लाऊंगी तो ये क्या बनेगा, साइन अपॉन कॉस, और जब मैं इसको इधर से डिनोमिनेटर में लाई तो यहाँ पे वन बचेगा, जीरो नहीं बचेगा, ये ध्यान रखें, क्योंकि वापस लेके जाऊंगी तभी ये चीज बनेगी। अगर मैं यहाँ जीरो कर देती हूँ तो वो साइन थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स कि मैंने स्टेटमेंट खुद से चेंज कर दी। अब यहाँ पे साइन बाय कॉस इक्वल टू वन, यानी कि टेन वन हो गया, टेन की वैल्यू वन कहाँ पे है, 45 डिग्री से। अब थीटा आ गया आपके पास, नाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू। पहले आप मुझे आंसर बताओगे, मैंने ऑप्शंस नहीं बताने अभी। साइन टू द पावर फोर 45 प्लस कॉस टू द पावर फोर 45। कल आपको मैंने बताया था कि whenever you are having sine to the power n theta, so it means this is sine theta raised to power that. Sine cube theta means sine theta का cube. Angle का cube नहीं होगा, ये ध्यान रखते हैं। तो sine to the power 4 theta मतलब sine 45 raised to power 4 and this is cos 45 raised to power 4. Sine 45 की value 1 by root 2. 1 by root 2 का क्या आएगा? किसको? वन बाय
कहां क्या कटिंग कर दी? गलत है, गलत है। हां जी, वन बाय नो, वन बाय रूट टू टू दी पावर फोर क्या आएगा मुझे ये बताओ। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, वन बाय फोर। शांतनु जी, वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर इज वन फोर्थ एंड वन फोर्थ इज हाफ हो गया, टू बाय फोर यानी कि हाफ हो गया, तो हाफ इज योर आंसर। ये छोटी छोटी गलतियां और नंबर गए, इतनी छोटी सी गलती का माइनस वन। ऊपर क्या आपने सॉल्व किया था रफ पे, किसी ने नहीं देखना। एक चीज मैं बार बार बोल रही हूँ और आप नहीं समझ रहे हो इसको। शायद सितंबर टेस्ट आपको सिखा दें, होप कि नवंबर टेस्ट में आप इंप्रूव करें। चलो बहुत अच्छी बात है अगर सीख जाओगे तो। अच्छा, देन अगेन ये वाला क्वेश्चन रिपीट है। अब हमें गिवन है कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन गिवन है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू दी पावर फोर ए की वैल्यू निकालनी है, जैसे अभी हमने कॉस की टर्म्स में किया था। इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड है सी पे, हाँ जी, मतलब एंगल सी क्या हो गया 90 डिग्री। वी आर टू फाइंड द एंगल ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। थोड़ा सा योगदान देंगे जी, आप भी बैठे हुए हैं बड़ी देर से, बहुत ऑब्जर्व कर लिया आपने क्लास को। हाँ जी, यस, एंगल सी 90 डिग्री है, तो इट मींस एंगल ए प्लस बी, एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ए प्लस बी क्या आ जाएगा 180 माइनस एंगल सी। 90 डिग्री आ गया ए प्लस बी। अब कॉस 90 की वैल्यू हमने निकालनी है, तो कॉस 90 इज जीरो, ठीक है। If root 1 minus cos square theta, into secant square theta is equal to k tan theta. If root 1 minus cos square theta into secant square theta is k tan theta, then find the value of k. Find the value of k, और आपको given है that theta lies between 0 to 90, equal नहीं है, just lies between 0 to 90. बिल्कुल ठीक है। tan theta is equal to बिल्कुल ठीक है। आगे k is equal to 1, अब देखो यहाँ पे हमें वैसे पता है जब हम रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन लेके चलते हैं, यहाँ हमने सिर्फ पॉजिटिव साइन लिया है। क्यों? क्योंकि हमें थीटा 0 टू 90 के बीच में गिवन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके जितने भी टी रेशियोज होते हैं उनकी एंगल्स की वैल्यू हम हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं, इसीलिए यहाँ हमने वैल्यू माइनस की नहीं ली, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं है। करने पड़ेंगे वो भी, करने पड़ेंगे वो भी।
वो आपका किसी भी तरीके से आ सकते हैं। चलो वन प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू वन प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। दिस इज इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ वन प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा वन प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। क्या करें? हाँ जी बताएंगे आप क्यों सीधा ही नहीं। चलो इसको साइन कॉस में चेंज कर दिया। क्या करेंगे? टेन को क्या लिखेंगे? मैंने उससे पूछा है, पढ़ाई में कोई फ्रेंडशिप नहीं। हाँ जी बताओ जी सीकेंट थीटा लेट हिम टेल वन बाय कॉस। आगे कॉट को किसमें कन्वर्ट कर रहे हो? यस एंड कॉसेक अब नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। एलसीएम ले क्या आएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन। नेक्स्ट तीन टर्म्स हैं, तीन में से दो के टर्म्स के जब साइन सेम होते हैं तो क्या करते हैं? यस किस किस को ए मानेंगे? हाँ जी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को आप ए मान लो और वन को बी मान लो। ये बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। व्हाट इज दैट इक्वल टू? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस वन अपॉन में। चलो क्या करें अब? साइन स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल आया? हाँ जी क्या आंसर आ गया फिर? क्या ये कट गया? क्या रह गया? टू साइन थीटा अपॉन टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, वो भी कट गया। तो टू विल बी योर आंसर। ठीक है कर दी रेस। नेक्स्ट साइन टू ए इज इक्वल टू टू साइन ए व्हेन थीटा इज इक्वल टू। लास्ट क्वेश्चन फटाफट बोलो ये। व्हेन ए इज इक्वल टू ऑप्शंस हैं 0, 30, 45, 60।
ए को जीरो पुट करो, जीरो 30, 45, 60 है ना, ए को जीरो पुट करो, साइन जीरो इज इक्वल टू 2 sin 0, ट्रू है फॉल्स है? साइन जीरो कितना होता है 1, सॉरी 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है पुट करके, 30 डिग्री पुट करो, साइन 60 इज इक्वल टू 2 sin 30, साइन 60 इज रूट 3/2, और राइट हैंड साइड 1 हो जाएगी, 2 sin दिस 30 इज 1/2. अब 645, वैसे तो हमें फर्स्ट से ही मिल गया आंसर, बट स्टिल हम एक बार चेक कर रहे हैं. यहाँ 60 बन गया, साइन 60 रूट 3/2 आ गया, यहाँ 2 into sin 30 इज 1/2, तो 2.5 से वाला 2 कट गया, 1 रह गया, रूट 3/2 नॉट इक्वल टू 1. अब अगर 45 पुट किया तो साइन 91 नॉट इक्वल टू 2 sin 45, 2 into 1/√2. अगर 60 पुट किया तो साइन 120 आपको वैल्यू नहीं पता, पॉजिटिव ही आएगी आपकी कॉस 30, दैट इज 1/2 equal to 2 sin 60. Sin 60 is, again these are not equal, so option A is your answer. Sin 120 will be root 3/2, not 1/2, it will be root 3/2. Online students, if any doubt is there, I'm giving you the option to unmute yourself. You can ask your doubt. Otherwise, I'm ending the meeting. So thank you. Have a nice day.